स्वागत है आपका मेरे पहले ब्लॉग में। आज अब मेरे साथ चल रहे हैं राजपथ, उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो चलिए मेट्रो लेते हैं और चलते हैं। इंडिया गेट के ठीक सामने दिल्ली पुलिस के जवानों द्वारा बहुत अच्छा बैंड का प्रोग्राम दिया जा रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं। पहले इंडिया गेट से राजभवन तक जाने के लिए आपको ये रोड क्रॉस करनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस एरिया को अच्छी तरह से डेवलप किया गया है और इसके नीचे से अंडरपास बनाया गया जिससे आप सड़क क्रॉस कर सकते हैं, बस रोड क्रॉस करने के लिए। बस ये रोड क्रॉस करने के लिए आपको अंडरपास के थ्रू जाना पड़ेगा ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो और रोड में जाम ना लगे। दिव्यांग लोगों के लिए रास्ता बनाया गया है ताकि व्हीलचेयर्स या आसानी से ले जाया जा सके। और ये है अंडरपास, इसके थ्रू आप बस रोड क्रॉस कर सकते हैं। अभी शाम का नज़ारा इसका कुछ और रहेगा दोस्तों, क्योंकि शाम को यहाँ लाइटिंग्स हो जाएंगी बहुत ही सुंदर। यहाँ कुछ तस्वीरें लगी है जो आप देख सकते हैं, इसमें कर्तव्य पथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में दिखाया गया है। ये मैप है, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इसके बीच में। ये पुरानी वाली राजपथ है और ये नई डेवलप कर्तव्य पथ, बहुत ही सुंदर। ये पुरानी है, सही तरह से डेवलप किया गया है।
डिफेंस सेट आप कर सकते हैं। ये पुराने हैं, ये कर्तव्य पथ, ये आप राजपथ बोल सकते हैं, और ये है कर्तव्य पथ। ये बहुत ही पुरानी तस्वीरें हैं, जब न्यू दिल्ली को डेवलप किया जा रहा था, नई नई राजधानी बन रही थी, नई राजधानी का उद्घाटन किया गया 1935 में। ये तस्वीरें देख सकते हैं, जब इंडिया गेट बनाया जा रहा था। सफलतापूर्वक क्रॉस कर लिया है ये इंडिया गेट, और हमने रोड क्रॉस करके हम लोग आ गए हैं इंडिया गेट इस बार कर्तव्य पथ पे। ये जो कर्तव्य पथ पे ग्रीन एरिया है, इसमें लोग पहले घर से खाना लेके आके अपना पिकनिक किया करते थे, लेकिन ये सारा बंद कर दिया गया है ताकि गंदगी ना फैले और सफाई मेंटेन रहे। ये कर्तव्य पथ का वॉकवे जो दोनों साइड बनाए गए हैं, और इसके बगल में आप देख सकते हैं कि फाउंटेन्स या नहर बोल सकते हो आप, जो बनाया गया है बहुत सुंदर। नई टेक्नोलॉजी की अलग तरह की लाइटें लगाई गई है। उसके उस पर आप देख सकते हैं ये पार्किंग एरिया है, जो साथ में अगर आप गाड़ी लाए हो तो आप ये पार्किंग एरिया में अपनी कार पार्किंग कर सकते हैं। बहुत ही लंबे चौड़े एरिया में बना है ये पार्किंग, ताकि यात्रियों को सुविधा हो। दोस्तों, मैं जानबूझकर थोड़ा शाम को आया हूँ, ताकि आपको डे का भी दिखा दूँ कि दिन में कैसा लगता है, और नाइट में जब सारी लाइटें ऑन हो जाएंगी उसके बाद भी आप देखिए क्या नज़ारा दिखेगा आपको, कुछ अलग ही रौनक दिखेगी शाम को आपको। बगल में ही कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, चलिए एंजॉय करते हैं, क्या है देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं।